तो कल मैंने जो है सो 8 पॉइंट एक्सरसाइज 8.1 का 4 नंबर तक सवाल बताया था। आज मैं 5 से बताऊंगा। आज का क्लास थोड़ा छोटा होगा, तो अगर कल पहला क्लास नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सवाल से। 5 नंबर पहले सवाल पढ़ लेते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है? बाद में कहते, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, तो आप लोग बुक लेके बैठिएगा। ठीक है, यहाँ 55 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या सेक सेक थीटा दिया हुआ है 13/12 ये दिया हुआ है। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा कॉस थीटा को उल्टा होता है, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, मतलब एच बटा बी। एच 13 दिया हुआ है, बी 12 दिया हुआ है, और हम एल निकाल लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस से तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है, तो निकाल लेंगे इसे। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ से एल निकल के क्या आ जाएगा? यहाँ से एल निकल के आ जाएगा रूट अंडर इसको जो है सो माइनस हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। आप लोग को ये कल मैंने करने के लिए बताया था, पाइथागोरस पर मैं कल मैंने आपको सिखाया था, तो आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो एल निकल के आ जाएगा आपका 169/44 से 144। ठीक है, एल नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ से गलत हो रहा है। लंब यानी एल, या फिर इसको लंब को हमने एल लिख दिया, यहाँ पे पी लिखेंगे, परपेंडिकुलर या कुछ भी लिख सकते हैं। टूरी ओके, पी हो जाएगा, तो 25। P5 निकल गया, P5 H13 और R आपका 12 है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था? सेक थीटा दिया हुआ था, ठीक है, इतना दिया हुआ था, और कह रहा था सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, मतलब निकालना है साइन थीटा। ओके, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक दिया हुआ है, कॉट थीटा और फाइनली कोसेक थीटा, ये निकालना है। साइन थीटा हो जाता है अपना परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस यानी लंब बटा कर्ण, ये होता है बेस बटा हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण, ये होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार, ये कॉट का टेन का उल्टा होता है, तो जगह बी बटा पी, और ये साइन का उल्टा होता है एच बटा पी, तो आराम से निकल जाएगा
साइन थीटा हो जाएगा आपका, पी कितना निकला है, पी निकला है 5, 5 और ये एच 13 है, कॉस थीटा बी कितना है 12, एच कितना है 13, टेन थीटा बी है 12, नो नो पी बटा बी होगा ना 5/12। ठीक है, अब हम कॉट थीटा निकाल देंगे, कॉट थीटा बी है अपना बेस है 12 और पी है 5। ठीक है, कोसेक थीटा एच बटा पी हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण बटा लंब, तो कर्ण है अपना 13 और लंब है 5, तो सभी निकल के आ गया आंसर। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं रिप्ले करूँगा जल्द से जल्द। कोई भी इशू आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूँगा कमेंट में ही, या फिर नेक्स्ट दिन क्लास में मैं आपको बता दूँगा। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिए, ताकि आपका कोई क्लास मिस ना हो। 5 नंबर बन गया, अब 6ठा नंबर देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख रहे थे, 6ठा नंबर क्या कह रहा है, आई थिंक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 6ठा नंबर, यदि एंगल ए, कौन ए और कौन बी न्यून कौन है। ठीक है, न्यून कौन मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, न्यून कौन कहते हैं, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी है या नहीं है। कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी ये दिया हुआ है, और आपको प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, और कॉट एंगल ए और एंगल बी न्यून कौन है ये कह रहा है। ठीक है, तो पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज बन गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ये दोनों न्यून कोण है। ठीक है, दिया हुआ क्या है, ये दोनों न्यून कोण है, एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है। ठीक है, और कॉस ए कॉस बी ये दोनों बराबर है, और प्रूव करना है अपने लोग को एंगल ए बराबर एंगल बी ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं, कॉस ए जब इस एंगल में कॉस लगाएंगे तो कर्ण तो ए बी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए लंब हो जाएगा बी सी और आधार हो जाएगा ए बी। एंगल ए के लिए, एंगल ए में जब कॉस लगाएंगे तो आधार हो जाएगा ए सी और कर्ण हो जाएगा ए बी, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार हो जाएगा ए सी और कर्ण हो जाएगा ए बी। ठीक है, सेम उसी तरह कॉस बी भी निकाल लेंगे, कॉस बी। ठीक है, कॉस बी, कॉस बी में जब ठीक है, कॉस बी में जब हाँ एंगल बी में जब कॉस लगाएंगे तो इसके लिए आधार हो जाएगा अपना क्या, ये बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी, तो आधार बटा लंब होता, आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा बी सी
BC बटा AB, ठीक है, और दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी ये दिया हुआ है, तो ये भी हो जाएगा ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जैसे कि कॉस ए और कॉस बी ये दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड वाला दोनों बराबर, कॉस ए कॉस बी बराबर है दिया हुआ है, तो उसी तरह इसका राइट हैंड वाला इसका जो है ए सी बटा ए बी और बी सी बटा ए बी ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर है, तो ये भी ए सी बटा ए बी और बी सी बटा ए बी ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, तब इसको हम कटा देंगे, ए सी और ए बी ये गुना हो जाएगा कोना कोनी, ठीक है, ए सी ए बी बराबर ए बी और बी सी, ठीक है। अब ये ऐसे तो हम यहीं पे काट सकते थे इसे ए बी दोनों, लेकिन इस तरह से कर दिया आपको ताकि समझ में आ जाए, तो ए सी ए बी और बी सी इसका ए बी इधर गुना में इधर हम भाग में ले आएंगे और कटा देंगे, तो डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे डायरेक्ट कटा के, लेकिन आपको थोड़ा समझ में, इसलिए इतना लंबा करना पड़ा थोड़ा सा, तो ए सी बटा बी सी ये हो गया बराबर, ए सी ए और बी सी ये बराबर निकाल दिया, जब ये बराबर हो गया तो इसका संलग्न कोण भी बराबर, जैसे ये बताया था इसका संलग्न कोण, जैसे ये इसका संलग्न भुजा है कोण कोण बी का संलग्न भुजा बी सी है, और कोण ए सी का संलग्न कोण ए है, ए सी का संलग्न कोण ए हो गया, बी सी का संलग्न कोण बी हो गया, जब ए सी ये ए सी और बी सी आपस में बराबर हो गया तो कोण ए और कोण बी भी बराबर हो गया, हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर ना आए समझ में तो कमेंट कर सकते हैं आप में, मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूँगा, अगर समझ में ना आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा। छठा नंबर बन गया, अब सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, आज क्लास को थोड़ा छोटा ही रखेंगे, ठीक है, तो सातवां नंबर क्वेश्चन आई थिंक आपको दिख रहा होगा, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं, यदि कॉट थीटा 7/8 है तो 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ, 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ, ये और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है, देख लिया, एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, यदि कॉट थीटा इतना दिया हुआ है तो पहले पहला इसका मान निकालना है, फिर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, दिया हुआ है कॉट थीटा, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 में कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, और निकालना है क्या, 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ,
साइन थीटा, ठीक है, वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है। और दूसरा कह रहा है क्या निकालने, कॉट स्क्वायर थीटा, ये कह रहा है निकालने। तो पहले जो है सो डायरेक्ट निकाल लेंगे कॉट स्क्वायर, दूसरा नंबर बहुत आसान है, कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा कह रहा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का कॉट थीटा का मान दिया हुआ, इधर स्क्वायर है सिर्फ, तो जो मान है उसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, निकल जाएगा 7 49 68 64, ये निकल गया। सिर्फ इसको स्क्वायर करना था, कॉट थीटा दिया हुआ था, स्क्वायर करना था, कॉट थीटा का जो वैल्यू है उस पर स्क्वायर चला देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर निकल गया, पहला निकालेंगे जो कि बहुत ही आराम से निकल जाएगा पहला भी। तो इसके लिए पहले देखना निकालना क्या है हमें, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब, और टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, इसका उल्टा होता है कॉस थीटा, तो 7/8। ये पी निकलना, पी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, पी है 8, बी है 7, एच निकाल लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस से एच क्या निकलेगा अपना, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, उनचास 64, एच निकल गया 113, ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, एच निकल के रेडी है। तो सबका मान निकालेंगे, साइन थीटा का और कॉस थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा होगा अपना लंब बटा आधार, लंब दिया हुआ है 8, लंब बटा कर्ण होगा, सॉरी मुँह से निकल जाता कभी कभी गलत, ठीक है। कॉस थीटा बेस बटा कर्ण, बेस दिया हुआ है 7 और कर्ण 113 पे रूट, ये हो गया। अब साइन थीटा का मान निकल गया, कॉस थीटा का मान निकल गया, इस पे रख के साइन थीटा का मान यहाँ रख देंगे, कॉस थीटा का मान यहाँ रख देंगे, और जैसे अलजेब्रा सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे, जोड़ घटाव गुणा जो भी करना होगा करके निकाल लेंगे। वैसे बहुत आसान है, मैं यहीं पे छोड़ सकता था बट मैं आगे कर देता हूँ, एक बार पूरा सॉल्यूशन ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो मान रख लेते हैं पहला वाला में, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या है, 8/√100 113 इंटू वन माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का मान है 113 बाय के रूप में, इधर हो नहीं रहा है, मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ। और फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पे पहला था 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, यही था, इसका मान निकालना था, ठीक है। लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा क्या निकला था, देख लेते हैं इधर, साइन थीटा 8/√, यहाँ देख सकते हैं 8/√100 113, कॉस थीटा 7/√100 113, ठीक है, 8/√100 113, 1 माइनस 8/√100 113, वन प्लस
बटा एक्स 13 प्लस ये हो गया। यहाँ देख सकते हैं अलजेब्रा में थोड़ा इसको लेके जाएंगे, ठीक है। ए प्लस बी, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ बोल रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब अलजेब्रा में होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो वहाँ हम लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर भी वही लगेगा, आप लोगों ने अगर अलजेब्रा पढ़ लिया है तो ये शायद जानते, वैसे 9th 8th में भी ये वाला फॉर्मूला आता है मैथमेटिक्स में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो अलजेब्रा जिस टाइम पढ़ेंगे तो उस टाइम सारा फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया हुआ है तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे भी वही लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा और ये हो जाएगा 68 64, ये हो जाएगा 64। और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, हो जाएगा 113। अब यहाँ भी 1 माइनस ये 49 और ये रूट हट जाएगा, 113 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको घटा देंगे 1 माइनस, इसको कर सकते हैं आप भी आराम से, अब इसको आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं कर दूँगा, पूरा कर ही देता हूँ। तो घटा लेते हैं 113 64 बटा 113, यहाँ भी 113 माइनस 49 बटा 113, इसका दोनों हो गया। अब ये 113 113 कट जाएगा, कैसे कटेगा आपको पता ही होगा जब आप अलजेब्रा पढ़े होंगे। तो ये जो इतना सा है तो ऐसे रखेंगे और ये जो इतना सा है इसको क्या करना है, जब ये भाग में होता है तो इसको गुणा में बदल के ये जो है ना, पहले ये ऊपर चले जाता है, ये नीचे वाला ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ, 113 माइनस 64 बटा 113 ये हो जाएगा और नीचे वाला पलट जाएगा और ये भाग से गुणा में बदल जाएगा। 113 113 माइनस 49 ऐसे हो जाएगा, ये कट जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब ये घट जाएगा, जब 113 में 64 घटेगा तो कितना होगा, घटा लेते हैं 13 में 4 9, ठीक है। ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा आपका नीचे वाला 64। तो पहला और दूसरा का आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब कौन सा क्वेश्चन था, ये 7वां नंबर क्वेश्चन था। अब 8वां देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 8 नंबर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको 8 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। पढ़ते, यदि 3 cot A = 4 है, ठीक है, तो जांच कीजिए 1 - tan² A 1 + tan² A = cos² A - sin² A है या नहीं है, ठीक है। एक बार और पढ़ लेते हैं, 3 cot A = 4 दिया हुआ है, जांच करने के लिए कह रहा है 1 - tan² A 1 + tan² A = cos² A - sin² A है या नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी, क्वेश्चन नंबर 8।
अभी थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं कम टाइम में तो कमेंट कीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज भी लगता है आधा घंटा में 4 क्वेश्चन ही हो पाएगा, जिसे कल हुआ था। 3 cot a = 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर 3 cot जैसे कल किया था, सेम उसी तरह cot a के साथ ये 3 इधर गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो cot a हो जाएगा 4/3, ये हो गया cot a, ये इतना हो गया। और यहाँ से निकाल लेंगे हम b/p, बी हो जाएगा 4, पी हो जाएगा 3, एच निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो गया बेस यानी आधार, ये हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये कर्ण, एच निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं एच भी, एच निकल के आ जाएगा अपना क्या, 4 square + 3 square, एच यहाँ से निकल के आ जाएगा 5, ठीक है। आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा लेट हो जाता है, ठीक है। वैसे आप लोग सीख ही गए होंगे निकालने के लिए, पाया था इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों को जोड़ के रूट से निकालेंगे, 4 × 16 और 3 × 3 = 9, 16 9 = 25 हो जाएगा, 25 से रूट हटा के 5 निकाल लेंगे, ठीक है। एच निकल गया, अब हम एच जब निकल गया तो इसमें क्या कह रहा था प्रूव करने के लिए, 1 - tan² a, ठीक है, बटा 1 + tan² a = cos² a - sin² a, ये कह रहा था प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो ज़रूरत है वो निकालेंगे, टेन ए निकाल लेंगे, कॉस ए और साइन ए निकाल लेंगे, ठीक है। तो टेन ए क्या होगा, टेन ए डायरेक्ट कॉस कॉट का उल्टा होता है, तो 3/4 डायरेक्ट यहाँ से उल्टा देंगे, या फिर परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, पी बाई बी होता है, तो p3 और b4, ये हो गया, ठीक है। अब कॉस निकाल लेंगे, कॉस ए निकल के आ जाएगा क्या, बेस बटा कर्ण होता है, बेस बटा हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटा कर्ण, तो बेस अपना कितना है, बेस अपना है 4, बेस है 4, कर्ण 5, ठीक है। अब साइन ए निकाल देंगे, साइन ए हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब मान रख देंगे, उसके बाद निकाल लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 - tan a, टेन ए कितना निकला है, 3/4 निकला है, 1 + 3/4, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, बराबर cos² a का स्क्वायर कर देना है, -sin² है तो साइन का भी स्क्वायर कर देना है, 3/5 हो गया, ठीक है। अब इसको इसका सॉल्यूशन निकाल के देख लेंगे बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ करते हैं, 3 × 3 = 9, 4 × 16 = 9/16, ये हो गया, ये हो जाएगा 1 + 9/16, ये हो गया। इधर भी देख लेते हैं, 4 × 16 = 25 -3 × 9 = 25, ये हो गया। तो इधर इसको देख लेते हैं घटा के, 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 16 + 9, नीचे भी 16 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 16 - 9, इधर जो है सो सेम है, नीचे वाला तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 16 - 9, ये 16 और 16 कट जाएगा, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे,
ये हो जाएगा 16 माइनस 9, कितना हो जाएगा, 16 में 9 घटाएंगे तो 7, ठीक है। और ये हो जाएगा नीचे 16 9 25, यहाँ इक्वल टू नहीं देते हैं, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, इधर 16 माइनस 9, ये नीचे वाला कट गया, जैसे इसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन में किए थे कटा दिए थे, ठीक है, बताया था उस टाइम आपको, 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25, 7/25, 16 माइनस 9 7, और ये 25 हो गया प्रूव, ये दोनों बराबर है, ठीक है। आज 8 नंबर तक है, कल जो है सो 11 नंबर तक है, कल बताएंगे, 9 10 11, 11 में 5 क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी प्रूव करने वाला है, तो ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सारे वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।